तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है नीचे आ जाना है और यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है गाइस, डिस्क्रिप्शन से मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है तो आप काइनमास्टर का जो प्रोजेक्ट आप नीचे से जाके इसलिए डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, फिर से यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। जब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो है प्रोजेक्ट को आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल जाएगा, लिरिक्स पर है वो देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो गाइस यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा बैकग्राउंड, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको इमेजेस किस तरह से ऐड करना है, आपको सिंपली आना अपने फर्स्ट फोटो पे और यहाँ से आपको क्लिक करना है रिप्लेस पे, और आपका जो भी इमेज रहेगा गाइस आप उसको सिंपली क्लिक करना और यहाँ से उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर से आगे वाला इमेज पे जाना है और यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करके आपका जो भी इमेज रहेगा आपको सिंपली वो इमेज यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, आप यहाँ देख सकती है हमारा इमेजेस जो है यहाँ पर पूरा ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐड होने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आना है आपके फर्स्ट इमेज के पास, यहाँ पर आना है और यहाँ से क्या करना है गाइस, आपको ग्राफिक ऐड करना है, ठीक है। तो ग्राफिक कौन सा ऐड करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ग्राफिक पर जाना है और यहाँ से गाइस आपको जो ग्राफिक ऐड करना है उसका नाम है गाइस यहाँ से पोर्ट्रेट फिल्म करके, ठीक है। तो ये वाला ग्राफिक जो आपको काइनमास्टर के अंदर नहीं मिलेगा, आपको क्या करना होगा कि गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉलमी डीजे ग्राफिक, ठीक है। तब उस वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस तरह से आप कोई भी ग्राफिक काइनमास्टर के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस वीडियो देख लेना, प्रोसेस एक ही है कोई भी ग्राफिक डाउनलोड करने का। तो वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है कि आपको वन नंबर वाला यहाँ पर आके ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आपको जितना भी इमेज है आपको सिंपली ग्राफिक पे जाना और यहाँ से पोर्ट्रेट फिल्म वाला जो आपका ग्राफिक है यहाँ से वन नंबर वाला ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो पूरा एंड तक आपको यही वाला ग्राफिक ऐड करना है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको, इस तरह से आपको पूरा एंड तक आपको यही वाला ग्राफिक को जो है सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा पूरा जो ग्राफिक यहाँ पर ऐड हो गया। तो आपको भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना अपना पूरा ग्राफिक। तो गाइस यहाँ से जो करने के बाद आपका पूरा एडिटिंग जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है इस तरह का एडिटिंग करना। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो किस तरह का एडिट हुआ है। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फुल एचडी पे रख के आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका वीडियो जो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।